बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज आपके साथ मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने सॉल्व किया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और अब उसका सेकंड है कि इफ डी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। इसके साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो हैं वो मैंने पिछली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके साथ लिखे थे, उनको मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी करना है डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है उसकी आइडेंटिटीज़ या तो ज़ुबानी याद होनी चाहिए या आपको पता होना चाहिए ये किस तरह होगी। तो दोनों सूरतों में आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कभी आप ट्रिग्नोमेट्री का चाहे डेरिवेटिव का चाहे इंटीग्रेशन का आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, तो आप सबसे पहले उसके चंद जो ज़रूरी फार्मूले वो अपने साथ लिख लें। तो देखते हैं जी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। ठीक है जी, वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। नाउ बाई डेफिनेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, देन f x plus h minus f of x। नहीं जी, ये बाई डेफिनेशन जो है डेरिवेटिव की dy by dx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो f of x plus h minus f of x। यहां पर हमारे पास फंक्शन जो है वो है cos of x। cos of x plus h minus cos of x। लेकिन cos of x plus h ये देखें, cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, इस फॉर्मूले से मैं इसको ओपन कर रहा हूं। cos of x cos of h minus sin of x sin of h ले ली, इसको मैंने ओपन कर दिया। माइनस ये cos of x as is, अब एक दो तीन टर्म्स आ गई हमारे पास। इन दो टर्म में cos of x कॉमन है। ले जी, हम लिख लेते हैं इसे cos of x कॉमन। इनसाइड हमारे पास बचा cos h माइनस वन माइनस sin of x sin of h all over h। नहीं जी, यहां हमारे पास sin h है, यहां हमारे पास cos h है। या तो ये sin h जो है इसकी जगह cos h आ जाए, या इस cos h की जगह sin h आ जाए। तो इसके लिए यहां पर एक फार्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसके ऊपर मैं ये फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। तो ये हमारे पास आ गया cos ऑफ x इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर h by 2, ये हो गया जी माइनस 1। ये इस सारे की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h by 2 माइनस 1, और ये टर्म ऐसी रहेगी माइनस
साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ साइन ऑफ एच होल ओवर एच प्लस वन और माइनस वन एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब यहां हमारे पास बच गया कॉस एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एच बाई टू, यहां माइनस साइन एक्स साइन एच। अब यहां पर हमारे पास आ गया हाफ एंगल साइन में, इस साइन एच को हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे और इसका फॉर्मूला हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। तो इस फॉर्मूले को इस टर्म पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहां हमारे पास आ गया माइनस टू इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर एच बाई टू माइनस टू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू और डिवाइडेड बाय एच। नहीं जी, अब स्पेस कम है तो मैं इसको नीचे से इसको ना मैं ऊपर स्पेस फ्री करके इसको ऊपर ट्रांसफर करता हूँ। नहीं जी, ये हमारे पास आ गया माइनस टू कॉस एक्स साइन स्क्वायर एच बाई टू माइनस टू साइन एक्स कॉस एच बाई टू साइन एच बाई टू। अब इन दोनों टर्मों में साइन एच बाई टू जो है वो कॉमन आ गया, यहां मैं लिख रहा हूं साइन एच बाई टू, ये कॉमन आ गया और दोनों टर्म्स में माइनस टू कॉमन माइनस टू कॉमन, यह आ गया कॉस एक्स साइन एच बाई टू माइनस चला गया भाई प्लस साइन एक्स कोस एच बाई टू साइन एक्स साइन एच बाई टू कोस एक्स साइन एच बाई टू साइन एक्स कोस एच बाई टू और इन सारे के साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो साइन एच बाई टू कॉमन है दोनों में। नहीं जी, अब इसको देखें साइन ए साइन बी साइन ए सॉरी कॉस ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। अब ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास साइन ए प्लस बी साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया था लास्ट प्रॉब्लम में भी वही आ रहा है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह, ये आ गया माइनस टू इंटू साइन एक जगह एक्स प्लस एच बाई टू, ये सारे को मैंने इस फॉर्मूले को इस चक्कर में हमारे पास मौजूद है तो इसको मैंने इसके साथ रिप्लेस कर दिया और यहां आ गया हमारे पास साइन एच बाई टू। इसके नीचे भी एच एज इज होगा और इसके नीचे भी एच एज इज आएगा।
अब ये 2 जो है इसको अगर हम इसके नीचे देते हैं तो ये आ गया हमारे पास -1 इंटू साइन एक्स प्लस 8/2 मोर मल्टीप्लाइड साइन 8/2 ओवर एच, और ये 2 जो है यहां से इसको हम इसके नीचे ले आते हैं और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एक ऊपर से इसको शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बल्कि डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर नोमिनेटर को 2 के साथ। अब इसके ऊपर हम एक और ऑपरेशन करेंगे -1 साइन ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 2 और मल्टीप्लाई साइन एच ओवर 2 ओवर एच ओवर 2, इस पे लिमिट अलग से अप्लाई कर देंगे और इस पे अलग से अप्लाई कर देंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। नहीं जी, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो एच की जगह 0 हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एच की जगह 0 पुट करेंगे तो ये -1 तो एज इज आएगा, साथ ही साइन ऑफ एक्स प्लस 0 मल्टीप्लाई साइन h/2 ओवर h/2। ये हमने लास्ट में भी किया है कि अगर हमारे पास कोई लिमिट हो थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसको अप्लाई करके ये आएगा जी मल्टीप्लाई बाय 1 और ये इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस साइन ऑफ एक्स। देखिए ये हमारा आंसर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इसको थोड़ा सा नीचे मैंने एक सिर्फ आंसर इसका लिखना है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूं। नहीं जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, ये हमारा आंसर क्या आ गया। इस सवाल को दो तरह से पूछा जा सकता है, शो दैट इफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और प्रूव दैट differential of cos x with respect to x is equal to minus sin x। ले जी आपके सामने अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में तहरीर करें और मेरे चैनल को मेरे वीडियोस को दोस्तों और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और एक बात आप यकीन के साथ लिख लें, अपने जहनों में तहरीर कर लें, उसे याद कर लें, स्टोर कर लें कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को किसी भी स्टेज पे देखना है तो उसकी बुनियादी उसकी बेसिक्स जो हैं वो आपको बड़ी अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर आपको उसकी बेसिक्स नहीं आती तो आपको डेरिवेशन इंटीग्रेशन जितनी चाहे आप प्रैक्टिस कर लें लेकिन आप उस पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। तो मैं ज़्यादा चाहूँगा और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और बेहतरीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब तक मुझे इजाज़त दें। सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।